इधर तो नहीं है। और हम दोनों नॉक हो गए और तभी नीड आया। कहां से कैसे? मीत है कहां पर आपको कुछ नहीं पता, बट नीड आया मीत का और भाई हम बच गए। भी खेलो तो। और भाई लोग क्या हाल चाल यार? अब स्टार्टिंग में जो तुमने क्लिप देखी ना, एक भाई इतना ओपी नेट कैसे डाल सकता है कोई इंसान, तो वो आज हम देखेंगे कि मीत ने वो करामात कैसे करी। उसके साथ साथ मेरा एक खतरनाक क्लच और मेरा ये फिस्ट किल। भाई कैसे मर गया ये बंदा? तू कौन है? ओ भाई मैंने दो बंदे भले ही बजा दिए थे, लेकिन जरा नीचे देखो मेरे दो टीममेट बजा दिए गए। अब उनको मुझे बचाना था, लेकिन मेरी हिम्मत हो नहीं थी बिकॉज यहाँ पर इतने बंदे हैं भाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बल किसी तरीके से तुम्हारे भाई ने अपनी स्किल्स दिखाते हुए अपने टीममेट्स को बचा लिया। उसके बाद इनको रिवाइव दिया, जो कि बड़ा मुश्किल था बिकॉज हमारे साइड में जो बिल्डिंग है ना, वो हमारे ऊपर पीक लेके बैठे थे। उनको हमें मारना था कुछ भी करके, लेकिन यहाँ पर अपने टीममेट्स को बचाना था ही, तो हमने बचा लिया। अब देखो, अब हमने प्लान करा कि करें क्या। फायरिंग चारों तरफ हो रही थी, हमारे कान में घंटियां बजने लगी थी, तो हमने डिसाइड करा कि चलो रश करते हैं। अब क्योंकि सोचा समझा तो कुछ था नहीं, तो बिल्लों की तरह हम कूद पड़े और बस देखो क्या हुआ आगे। ओ मैं छत पे आ गया। मैं भी अब देखो, मीत ने नीचे क्लियर कर दिया था तो मैं नीचे गया। और जरा ये नाम याद रखना भाई, ये बंदे कहाँ गए यार कैसे? लेकिन इन्होंने जैसे भी हमको मारा हो, लेकिन बस तुम देखना कि हम इन्हें कैसे मारेंगे। क्योंकि देखो, तुम अगर फारूक को मारोगे ना, तो फिर फारूक बदला जब लेगा ना, तो पूरी स्क्वाड खाएगा। तो बस तुम देखते जाना, मजा आने वाला तुमको। उतरे थे हम दोबारा पोचिंकी में और हमने फटाफट लूट कर ली। और तभी हमको पता चला फाइवर्स उस पे बंदे हैं, तो मैंने टीममेट्स को जल्दी यहीं बुलाया और मैं चढ़ गया छत पे एंगल बनाने के लिए। लेट्स गो, मार्क द लोकेशन। पता नहीं कहां गया हमारे बंदे। अब देखो, अभी तक मुझे कोई दिख नहीं रहा था, सिर्फ फायरिंग का साउंड आ रहा था। तो मैंने एक ऐसा एंगल पकड़ने की सोची जो मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, लेकिन काम कर गया क्योंकि मुझे बंदा दिख गया। अब मैंने नॉक तो कर दिया बट मैं फिनिश कर नहीं पाया, तो यहाँ पर मैं उतावला था पुश करने के लिए। लेकिन तभी एंट्री हुई मेरे टीममेट्स की। भाई वो बंदे क्या ही आए टाइम पे। अब ये लोग जैसे ही आए, मैंने देखा कि एक हमारा टीममेट पीछे उतर गया है, गाड़ी से एक बंदा मेरे पास आ गया है और एक नॉक भी निकल गया है। तो मैंने कहा भाई अब पुश नहीं किया ना फर बाय, तो कभी नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं आओ ना, तुम्हारी तरफ से पीछे से आओ, ये घर में से ना, ये ब्लू वाले घर में से मिल जाएगा। ओह भाई, यहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं की मेरे को किल मिलेगी, बट मिल गई। अब देखो, इनको फटाफट लूटा, उसके बाद हम गए फेरो पे, क्योंकि भाई यार लूट तो हमारे पास ढंग की थी नहीं, तो हम फेरो गए और हमको वहां से चाहिए थी लूट। और भाई लूट के चक्कर में क्या क्या हुआ मैं तुमको क्या बताऊं। आप गोदी देखो, वो मैं नहीं है। अब स्वागत तो बड़ा तगड़ा हुआ हमारा, लेकिन नॉक हम ही ने निकाला था। तो अब क्योंकि नॉक निकालना था तो पुश तो करेंगे ही हम, तो हमने पुश करा। तो यहाँ पर तुम्हारे भाई ने दो किल निकाल लिए, इनका एक टीममेट अभी भी नीचे था, तो यार उसको मारना था। लेकिन जरा देखो, उसको मारने के चक्कर में भाई क्या बुरा फंसेंगे हम, तुम बस देखते जाओ। अब एक बात का ध्यान रखना कि मैं और लूसिफर पुश करने के लिए जा रहे हैं, मीत स्टार को रिवाइव दे रहे हैं छत के ऊपर, ठीक है? ये इन्फो है हमारे पास। अब यहाँ पर मैंने लूसी से बोला कि चलो पुश करते, उसने कहा चलो। अब लूसिफर तो छाती तान के जाता ही आगे हर जगह, वो घुस गया अंदर। इधर तो नहीं है। और हम दोनों नॉक हो गए और तभी नीड आया। कहां से कैसे? मीत है कहां पर आपको कुछ नहीं पता, बट नीड आया मीत का और भाई हम बच गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम बच सकते हैं भाई। मीत ने छत पे से नेट डाला है, कैसे?
भाई मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट नेट था ये, जो मेरे मुंह पे फटा, मैं उससे मरा नहीं, मैं बच गया। वेल जो भी था, अब हम यहाँ से फेर हो गए, हमको लूट की जरूरत नहीं थी, हम तो हंटिंग करने जा रहे थे। अब देखो जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने फटाफट से लूट करी, हमको उम्मीद नहीं थी कि हमको यहाँ कोई बंदे मिलेंगे, क्योंकि बंदे मिलने थे भी नहीं, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे फेरों पे आने में, और क्योंकि अपार्टमेंट में बंदे थे तो वहां से भी कोई गया नहीं, तो हमने वापस से गाड़ी उठाई और हम जानते हो कहाँ गए, कोचिंग की। हाँ वही जगह जहाँ पर हम अभी थे कुछ देर पहले, उम्मीद नहीं थी कि वहाँ बंदे होंगे, इसी वजह से हम हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं था गेम पे। और तुमको पता है नजर हटी दुर्घटना घटी। हमारा एक बंदा उतर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, मैं अकेला। किसने मारा था फार वहां अकेले हो? रिवाइव दे रहा मेरे दे। ड्राइवर के बाजू में नहीं बैठा और दो रिवाइव हो गया एक। अब यहाँ पर मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया क्योंकि मेरे टीममेट ने उनके एक दो नॉक निकाल दिए थे, वरना अगर पूरी स्क्वाड चढ़ती तो मैं तो इधर खत्म था। अब दो नॉक हो गए, एक को तो फिनिश भी कर दिया, मेरे एक टीममेट ने दूसरे टीममेट को रिवाइव कर दिया और मैंने ऊपर मॉली फेंकना शुरू कर दिया, बट यार ये मॉली नीचे गिर गई। ऊपर मत जाना। पुल कर ग्रेनेड पुल कर। अब देखो यहाँ पर मेरे टीममेट्स ने किल कंफर्म करी, अब मुझे पता था जो भी बच रहा है वो ऊपर है छत पे, क्योंकि छत पे से आवाज आ रही थी, तो मैंने टीममेट्स को कॉल दी और फिर कर दिया। अब क्योंकि मीत मेरे साथ था तो मैं बिल्कुल नहीं डरा और अंदर घुस के इसको भी खत्म कर दिया। जहां तक मुझे लगता है ये वही बंदे थे जिन्होंने हमको यासनाया में बजाया था, अब हमारी बारी थी हमने बजा दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ रुकने का कोई मतलब था नहीं, हमको चाहिए थे और बंदे, तुम्हारे भाई के सिर्फ 6 किल थे, लेकिन बस देखता जाओ यहाँ से तो किल आने शुरू होंगे। अब क्योंकि जोन मिलिट्री के साइड बन रहा था तो हम वहीं पहुंच गए, उम्मीद नहीं थी कि बंदे मिलेंगे बट भाई काफी सारे बंदे मिल गए। अब देखो लूसीफर को बंदा दिख गया था तो अपन ने गाड़ी ठोक दी और उसके बाद अब करा पुश और खा गया मैं भाई को। अब देखो यहाँ पर जैसे ही अकेला घूम रहा था, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर आसपास कोई बंदा होगा, तो मैं ब्रिज के साइड जाने लगा। तभी चली उजी और हमको समझ में आ गया कि ब्रिज के नीचे बंदे हैं। अब देखो यहाँ लूसीफर ने मुझे बता दिया कि बंदे ब्रिज के नीचे हैं, पर दिक्कत ये कि सामने जो घर है ना वहां पर भी स्मोक हो रखा है, तो मुझे उधर भी ध्यान रखना था, नहीं तो मेरे को उस घर से कवर दे रहा था, बट यार मैं कुछ ज्यादा ही आगे आ गया अपने टीममेट से। अब यहाँ पर पता नहीं कैसे मैं बच गया और भाई अब मुझे जाना था अपनी टीम के पास, क्योंकि ब्रिज के नीचे थे बंदे और मुझे चाहिए थे किल्स। इधर का मार के उधर चले जाओ, फ्री किल है नीचे पिलर पे। देखो अब यहाँ पर मैंने एक बजा दिया, लेकिन आखिरी बंदा था ब्रिज के नीचे, नहीं, क्योंकि ये दो अलग अलग टीम आपस में लड़ रही थी। अब ये बेचारा तो क्लूलेस था, कुछ कर नहीं पाया, इसको आराम से मार दिया। लेकिन इतनी देर में घर वालों ने एक प्लान बना लिया था, उनका एक बंदा फ्लैंक करने वाला था, वो अलग बात है कि फ्लैंक से पहले मैं पहुंच गया। घर 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 घ
ओ भाई मेरे टीममेट मस्ती आ रहे थे और मैं थोड़ा सा ज्यादा आगे चला गया, लकली मैं इधर बच गया भाई। और तभी टीममेट ने निकाला एक नॉक, लेकिन वो बहुत गधा बंदा था। Like you. नहीं छत पे था। अब जैसे ही मैंने नॉक निकाला मैंने पुश किया और ये तो इजी किल था। अब मैं अंदर जा रहा था दोनों को फिनिश करने के लिए, लेकिन तभी गिरा एक नेड और दोनों गए। अब ये दोनों तो खत्म हो चुके थे, लेकिन याद रखना कि ये नॉक हुए थे तो इनका कोई ना कोई बंदा आसपास तो होगा। और अब मेरे को पता चला कि वो किधर है। अब मीत ने मेरे से पूछा था कि मेरे कितने किल हैं, तो कुल मिला के अब हमारे बीच ये बात तय हो गई थी कि देखो फारोफ के 12 किल है, अब कोई नहीं मारेगा, फारोफ गेम प्ले बनाएगा। मैं कहा ठीक है भाई चलो। मैंने भी गाड़ी उठाई और मैं चढ़ बैठा सामने वाले के ऊपर। यार ये M16 क्यों चला रहा था? बस जो भी हो मेरे को एक फ्री का किल मिल गया, मेरा टीममेट रिवाइव हो गया। उसके बाद देखो सामने गिर रही थी एक फ्लेयर, हमको पता था फ्लेयर ओपन में गिर रही है तो हमने फ्लेयर के गिरने का वेट करा। और जब फ्लेयर नीचे गिरा हमको पता था अब ये लूटने आएंगे, तो हम चढ़ गए इस घर की छत पे। प्लान तो बहुत परफेक्ट था, बट दिक्कत आ गई जब हमने देखा कि जिस जगह को हम ओपन समझ रहे थे वहां पर एक रिज है और ड्रॉप रिज के पीछे है। ओ भाई ओ भाई, मैंने इसको भले ही हेडशॉट मारा था बट जिस हिसाब से बंदा देख रहा था ना इसके पास AWM था, तो हमने प्रेफर करा कि हम जोन में चले जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्नाइपर से लॉन्ग रेंज बैटल लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई अब उन बंदों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि भाई उनको आना था जोन में, बग्गी उनके हमने भाड़ा दी थी तो पैदल ही आएंगे वो, तो बस हमको अब वेट करना था उनका, एक एक करके दोनों को धरेंगे। अरे वो तो पूरा ट्राई करेंगे बस। 11:30 हो रहा है, अब जोन के बाहर हो। अब तभी दोनों बंदे स्पॉट हो गए। Watch out. एक गया। दूसरा देखो इधर से आ रहा है। Watch out. गैंगस्टर। हाँ वो दोनों के बाहर जा रहा है। दोनों के बाहर जा रहा है। दोनों चलना मर जाए। और दूसरा भी कतई इजी चिकन डिनर।